हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को तंत्रिका तंत्र के भागों को बताएंगे, अर्थात तंत्रिका तंत्र का क्रियात्मक विभाजन बताएंगे, अर्थात फिजियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो कशेरुकियों में नर्वस सिस्टम अथवा तंत्रिका तंत्र के तीन प्रमुख भाग होते हैं। कशेरुकी यानी जो रीढ़ की हड्डी वाले जंतु होते हैं, उनमें नर्वस सिस्टम अथवा तंत्रिका तंत्र के तीन प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से? CNS, PNS, ANS। CNS का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS का मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ANS का मतलब है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या CNS है, इसे हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। इसी प्रकार पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, अर्थात PNS, को परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अथवा ANS को हिंदी में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तो चलिए इन तीनों को एक एक करके समझा देते हैं। तो पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अथवा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या शॉर्टकट में कहें तो CNS। यह शरीर की मध्य रेखा के साथ स्थित होता है। शरीर के अधिकांश न्यूरॉन इसी में स्थित होते हैं। CNS के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। सिर में स्थित एक बड़ा भाग मस्तिष्क यानी ब्रेन, तथा ग्रीवा व धड़ में एक लंबी व संकीर्ण मेरुरज्जु अथवा अंग्रेजी में कहें तो स्पाइनल कार्ड होती है। तो ये तंत्रिका तंत्र का केंद्रीय भाग होता है, इसीलिए इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और इसमें मुख्य रूप से मस्तिष्क यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु आते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु अर्थात ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मेरे चैनल में पहले से वीडियो अपलोड हैं, वहां से आप देख सकते हैं। यहां पर हम इसका डिटेल नहीं बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही मैंने अपने चैनल में मस्तिष्क या ब्रेन पर एक वीडियो अपलोड किया है, और मेरुरज्जु पर अथवा स्पाइनल कॉर्ड पर दूसरा वीडियो अपलोड है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, इसका कार्य क्या होता है? यह मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है। यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु या ब्रेन अथवा स्पाइनल कॉर्ड की सभी क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है और नियमन भी करता है। अब आते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र पर, या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर, अथवा शॉर्टकट में कहें तो PNS पर। इसमें क्या होता है? इसमें वह तंत्रिकाएं सम्मिलित हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संवेदी अंगों तथा पेशियों तक फैली होती हैं। यानी ऐसी तंत्रिकाएं इसके अंतर्गत आती हैं, या ऐसी नर्व्स आती हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तथा पेशियों तक फैली रहती हैं। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं शरीर की विभिन्न अंगों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करती रहती हैं। यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसके अंतर्गत मस्तिष्क और मेरुरज्जु से संबंधित सभी तंत्रिकाएं आती हैं। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से संबंधित सभी तंत्रिकाएं शामिल होते हैं, सभी तंत्रिकाएं आती हैं। ये ऐच्छिक पेशियों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, इसका कार्य क्या होता है? ऐच्छिक पेशियों की क्रियाओं को नियंत्रित करना। ऐच्छिक पेशियां वे पेशियां होती हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं। तो जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से? कपाल तंत्रिकाएं और स्पाइनल तंत्रिकाएं या रीढ़ तंत्रिकाएं। तो जो मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं, उन्हें ही कपाल तंत्रिकाएं कहा जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं को स्पाइनल तंत्रिकाएं या रीढ़ तंत्रिकाएं या मेरु तंत्रिकाएं बोला जाता है। चलिए संक्षिप्त रूप से जल्दी से कपाल तंत्रिकाएं क्या होती हैं आपको बता देते हैं। तो कपालीय तंत्रिकाएं मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जुड़ी होती। आपको बता दें कि मनुष्य में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी यानी 24 कपाली तंत्रिकाएं मनुष्य में पाई जाती हैं। इनका कार्य क्या होता है आपको बता देते हैं। ये तंत्रिकाएं ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त संवेदनाओं को मस्तिष्क में पहुंचाती हैं। तो ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं आपको पता है? आँख, जीभ, कान, नाक, त्वचा, पाँच ज्ञानेंद्रियाँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं। आँख, जीभ, कान, नाक, त्वचा। तो इनसे प्राप्त संवेदनाओं को मस्तिष्क में पहुंचाती हैं। ये कपाली तंत्रिकाओं का कार्य होता है। और फिर मस्तिष्क से प्राप्त
प्रेरणा को अपवाहक अंगों को पहुंचाती हैं। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि जब ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त संवेदनाएं मस्तिष्क में पहुंच जाती हैं या पहुंचाई जाती हैं, तो वहां पर विश्लेषण होता है मस्तिष्क में कि क्या करना है, और फिर रिजल्ट के रूप में जो वहां विश्लेषण होने के बाद निकलता है वो मस्तिष्क से प्राप्त प्रेरणा होती है और वो फिर अपवाहक अंगों को पहुँचाई जाती है। तो ये कपाली तंत्रिकाओं का कार्य होता है। फिर जो रीढ़ तंत्रिकाएं हैं यानी परिधीय तंत्रिका, दो प्रकार की थी, कपाल तंत्रिकाएं और स्पाइनल तंत्रिकाएं या रीढ़ तंत्रिकाएं। तो रीढ़ तंत्रिकाएं, मनुष्य में इनकी संख्या 31 जोड़ी होती है। जो रीढ़ तंत्रिकाएं होती हैं मनुष्य में इनकी संख्या कितनी होगी, 31 जोड़ी होती है। और ये निकलती कहाँ से हैं, तो स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं, अर्थात स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं या रीढ़ तंत्रिकाएं होती हैं। तो इस प्रकार से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र हो गया है। अब आते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर। तो इसमें वह तंत्रिकाएं सम्मिलित हैं जो कपालीय व मेरु तंत्रिकाओं के माध्यम से संवेदी अंगों से संवेदी उद्दीपन ग्रहण करके उन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाती हैं। मस्तिष्क या मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनल कार्ड में इन उद्दीपनों का विश्लेषण किया जाता है और चालक तंत्रिकाओं द्वारा आवश्यकता अनुसार अंग विशेष को आदेश पहुँचाया जाता है। तो इसके भी दो भाग होते हैं, अनुकंपी तथा परानुकंपी। तो कुल मिलाकर के स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, इसके अंतर्गत मस्तिष्क और मेरुरज्जु से संबंधित सभी तंत्रिकाएं आती हैं जो अनैच्छिक पेशियों की क्रियाओं का नियंत्रण करती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या था, ऐच्छिक पेशियों की क्रियाओं का नियंत्रण करता था, लेकिन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है अनैच्छिक पेशियों की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और कौन कौन से, जैसे श्वसन, हृदय स्पंदन, आहार नार में क्रमांकुचन, उत्सर्जी क्रियाएं आदि पर नियंत्रण करता है। इसके अंतर्गत अनुकंपी या सिंपथेटिक तथा परानुकंपी या पैरासिंपथेटिक तंत्रिका तंत्र आते हैं। अनुकंपी तथा परानुकंपी तंत्र एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। तो इसके बारे में अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि परानुकंपी क्या है, अनुकंपी क्या है, और इस पर अंतर भी आपको बता दूंगा। तो इस प्रकार से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसमें ऐसी तंत्रिकाएं शामिल होती हैं जो कपाली व मेरु तंत्रिकाओं के माध्यम से संवेदी अंगों से संवेदी उद्दीपन ग्रहण करती हैं और उन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाती हैं। और पहुंचाने पर क्या होता है कि मस्तिष्क के अंदर उन उद्दीपनों का विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण करने के बाद चालक तंत्रिकाएं आवश्यकता अनुसार अंग विशेष को यानी किसी एक अंग विशेष को आदेश पहुंचाती हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, एक उदाहरण हम आपको बता दें इस पर। उदाहरण के रूप में जैसे आपके सामने कोई सांप आ गया तो आप तुरंत वहां से भागते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसी तंत्रिका तंत्र के कारण होता है। जब आपने सांप देखा तो ज्ञानेंद्रीय आँखों ने तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं के माध्यम से यानी तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक संवेदी उद्दीपन को पहुंचाया, यानी इस संदेश को पहुंचाया कि वहां पर सांप है। तो मस्तिष्क में इस पर विश्लेषण हुआ कि क्या करना चाहिए, फिर रिजल्ट वहां निकला कि यहां से हटो या यहां से भागो। वो रिजल्ट चालक कोशिकाओं को दिया गया और चालक कोशिकाओं ने चालक तंत्रिका तंत्र ने या चालक तंत्रिका तंत्र के द्वारा आपके विशेष अंग को संदेश पहुंचाया गया, फिर आप वहां से हट गए। इस प्रकार से ये इनका कार्य होता है। तो उदाहरण भी मैंने बता दिया है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का या ANS का, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से यह हृदय, रुधिर वाहिनियों, आमाशय, गर्भाशय, मूत्राशय, फेफड़ों, स्वेद ग्रंथियों, जठर ग्रंथियों, यकृत, पैनक्रियास, विशिष्ट एंडोक्राइन ग्रंथियों तथा अन्य अंगों की सक्रियता का नियंत्रण करता है। यानी जो स्वायत्त कोशिकाएं या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होते हैं या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं, ये इन चीज़ों का नियंत्रण करता है। और मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, अनुकंपी और परानुकंपी। तो अनुकंपी और परानुकंपी क्या होते हैं और इनके बीच क्या क्या अंतर होते हैं, क्या क्या समानताएं होती हैं, ये अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज के अंक में इतना ही। तो आशा है आप लोगों को तंत्रिका तंत्र का क्रियात्मक विभाजन अथवा फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र के भाग अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए
ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।